इनकी एजेंसीज ने उनको उनके एजेंसीज उनको अप्रूवर बनाया और उसके बाद कोर्ट के पास कोई कोई पावर नहीं उसको चेंज करने को एजेंसीज कहती है अभी अप्रूवर है ही इज कोऑपरेटिंग विद अस ठीक उसी तरह जैसे छगन भुजबल जी की फाइल गुम गई ये छगन भुजबल जी, जी अगर भुजबल की फाइल कैसे गुम गई आज सोचिए सोचिए फाइल गुम गई अरविंद केजरीवाल की और एक देखिए एक देखिए

कि आपको अपना राष्ट्रीय धर्म देश को सब कुछ सामना नहीं करना पड़ता देखिए के के कर रहे हैं लेकिन मैं इनको किसी झूठे केस में फंसा दू हालांकि मेरी औकात नहीं ये मेरे को फंसा सकते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई सब इनके पास है उनतालीस पार्टियों गठबंधन में कहता हूं तिरतालीस कालेक्ट्रोल बॉन्ड और इनकम टैक्स भी इनके साथ है आप जितना मर्जी किसी को तंग कर रहे हो ठीक है सत्ता पाने के लिए बहुत तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन आप सोच सोचो आप इस भविष्य बच्च, बच्चों को क्या देने जा रहे हो हमने एक स्कूल देने की कोशिश करी हॉस्पिटल देने की कोशिश करी अरे महिलाओं की सुरक्षा की बात करी आप जिस चीज को कर रहे हो एक झूठा आरोप आपने लगा दिया उसके ऊपर इतना लंबा कड़े चले जा रहे हो आप ठीक है आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं लोगों को यकीन दिलाने के तरीके लेकिन आखिरी दौर है मैं लास्ट कमेंट पर उस कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं जो कहना चाहता चाहते मेरी मर्जी है मेरी मर्जी है

अभी तक हम थे वो जब भाजपा कुछ बोलती है तभी क्यों बोलते हैं पहले आकर बोलना चाहिए था मेरे अब, बास अब, बास अब, अब, अन्ना हजारे पे भी सवाल उठ गया चो। चो। और जो जो नहीं उठाएगा तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में अन्ना हजारे भी लोकतंत्र को खतरे में एक सेकंड एक सेकंड अन्ना हजारे को आज के युग का गांधी भी कहा जाता है अन्ना हजारे भी बीजेपी के साथ चले हुए कौन कहता है उसको गांधी कांग्रेस के बाद सुनिए मेरा एक तो बात है, है। मैं बड़ा सिंपल पॉइंट फिर रख रहा हूँ इनकी बहुत सालों से गुजरात में सरकार है ठीक है यूपी में भी बहुत सालों से जहां बैठे हैं मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने एक सबसे ईमानदार आदमी को बंद कराया और झूठे आरोपों में करा क्योंकि आप तीन बार लगातार दिल्ली में उनसे चुनाव हारे और एक बार एमसीडी हार गए पंजाब में भी आपकी आदत करा जी। आप जैसे आपने गुजरात में कहा पांच सीटें ला के चालीस सीटों पर दूसरे नंबर पर आदमी आ गया आपकी बात नहीं मान रहा मैं फिर कह रहा हूं मैं बच्चों को लेकर चलता हूं मैं दिल्ली में उनको घुमाऊंगा दिल्ली में स्कूल दिखाऊंगा मौलक नहीं दिखाऊंगा आप क्या दिखाओगे बताओ है आपका कुछ है आपका हम तो पूरा देश दिखाने को तैयार हैं हैं देश 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 लेके चलो 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 दिल्ली तक क्यों कहीं भी हम जगह 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 बताओ 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 क्या में कौन बता 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 दिखा दिखा क्या दिखाएगा अभी किसी को कौन क्या दिखाएगा कांग्रेस बहुत कुछ दिखाने जा रही है बड़ी खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है राम मंदिर दिखाएंगे अपना सिर्फ राम मंदिर दिखाएंगे राम मंदिर जी 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 मैं घवंडियों के बारे में ठीक हाँ है ना कि नर्कों में ठेलम ठेल यही लोग का हाल है ये नर्क में है उस पर भी आपस में ठेलम ठेल कर रहे हैं कि नहीं है हम भारत में भारत को नरक कह रहे हो आप अरे आप जी, जी नवल किशोर नवल किशोर भाई को मौका दीजिए देखिए ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, के चक्कर में आज डिबेट कराओ भर को क्योंगा नहीं नहीं मैं तो बिना अनुमति के आपके बोलूंगा है नहीं जब राष्ट्रीय बोलूंगा नहीं मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं जरूर ये बोल रहे हैं कि जहां देखिए पूरे देश में मोदी बना मुद्दा चल रहा है और इसके उदाहरण बिहार ने दिखाया है 17 साल में कोई नौकरी नहीं दिया सत्रह तो महीने में सुन लीजिए पहले तो सत्रह सत्रह महीने में पांच लाख नौकरी देकर दिखाया नंबर एक। नंबर दो, जो भारतीय जनता पार्टी 2010 में कहती थी गोपीनाथ मुंडे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए वो पलट गई हमने करके दिखाया मुद्दा बना ले, ले, मोदी हो रहा है और यही इनके कठिनाई और और परेशानी का कारण है इसीलिए ये सब काम करें और कोई फाइनल एक एक सवाल में आपसे सबसे लेता हूँ आप ही से भी तहसीन पहला क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए देखिए जो सूचिता कहती है उसमें कोई शक नहीं है लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है वैसे तो आपको भी टीवी छोड़ना पड़ेगा जी। ले, लेकिन किंतु परंतु बहुत हुआ अब चुपचाप से इस्तीफा दें या अपने घर में जाएं देखो मैं फिर कह रहा हूं। के, भार भार मुझे नहीं लगता, हूं। लगता हूं कि उनको देना चाहिए दिल्ली के लोगों ने उनको देंगे वो मिनिस्टर हटा देंगे वो तो फिर आप यही तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की कोई सुन नहीं रहा एल जी साहब चुनाव एक चीज एक ही राष्ट्रीय दल है जिसका अध्यक्ष जेल में गया कैमरा पे चंदा लेते हुए वो था भाजपा बंगारू लक्ष्मण वो जेल के अंदर गया कॉन्वेंट हुए दूसरी चीज एक बात पूछे जब वे भ्रष्टाचार के विरोध बात करते मोरबी में ब्रिज गिरा पचास बच्चे मरे वो आदमी आज तक अरेस्ट हुआ ये पूछे सबसे ज्यादा शराब किस

बेशक इसमें कोई दराई नहीं है कि बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के थे लेकिन बंगारू लक्ष्मण को जब पकड़ा था तब भी मैं पत्रकारिता कर रहा था और बंगारू लक्ष्मण को साइडलाइन कर दिया था बीजेपी ने लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की वकालत हो रही है पॉइंट यही है मैं फिर कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी गलती करती है हर पॉलिटिकल पार्टी में खामी होती है लेकिन अपनी कमी को अपनी खामी को कौन ओवरकम कैसे करता है वो सोचने वाली बात है जैसे अक्सर जीवन में कहा जाता है कि जीवन के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि संघर्ष तो सबके जीवन में होता है मुश्किल दौर तो सबके जीवन में आता है लेकिन उस मुश्किल दौर को कौन कितनी सहजता से पार कर लेता है वो महत्वपूर्ण होता है अमरजेंसी तो इस देश में लगी और इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी भी जेल गए अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल गए लालू यादव भी जेल गए मुलायम सिंह यादव भी जेल गए लाल किश्न अडवानी भी जेल गए इमरजेंसी थी आज कहा जा रहा है घोषित इमरजेंसी है तो क्या आम आदमी पार्टी में और विपक्ष में आम आदमी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो अपने बलबूते पे खड़ी हो पाए ये सवाल जनता उनसे पूछेगी जनता उनसे पूछेगी इसलिए मैं कहता हूं कथनी और करनी में जब आप फर्क रखते हैं तो आप यानी जनता जनार्दन सब जानती है फिलहाल इतना ही